हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे फार्मेसी चेन से जुड़े क्वेश्चन के बारे में। जो क्वेश्चन है कि क्या अगर हम फार्मेसी चेन खोलते हैं तो हमें हर पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर के लिए या फार्मेसी के लिए सेपरेट लाइसेंस चाहिएगा या कि केवल एक ही लाइसेंस से काम चल जाएगा। एक्चुअली जब भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी की बात आती है तो आपको हर इंडिविजुअल लोकेशन के लिए अलग से ड्रग लाइसेंस चाहिए होगा, अलग से आपको रिटेल ड्रग लाइसेंस चाहिए होगा और उस अलग से हर रिटेल ड्रग लाइसेंस के लिए आपको एक फार्मासिस्ट चाहिए होगा। आप कितने भी नंबर ऑफ फार्मेसी खोलेंगे, जितने भी अलग अलग, चाहे आप एक ही सिटी में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर खोल रहे हैं या आप अलग अलग सिटी में स्टोर खोल रहे हैं, तो हर लोकेशन के लिए आपको अलग से फार्मासिस्ट चाहिएगा और अलग से आपको वहां पे रिटेल ड्रग लाइसेंस चाहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही लोकेशन पे लाइसेंस लेके जगह जगह आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर, जैसे सभी करते हैं, आप एक नाम को रजिस्टर करा लीजिए एक एज ए कंपनी और उसी सिमिलर नाम से आप अपने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे उसी सेम नाम से आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। जैसे जितनी भी अभी फार्मेसी चेन परजेंट है उनका चलता है, वो पर्टिकुलरली एक ही नाम रखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे वो मेडिकल स्टोर खोल के रखते हैं, लेकिन हर लोकेशन पे उनके पास डिफरेंट ड्रग लाइसेंस होता है, ड्रग रिटेल लाइसेंस होता है।